की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में सरसों के बीज का वितरण किया गया। आपको बता दें कि सरसों भी रबी की प्रमुख फसलों में से एक है। जनपद अमेठी के ब्लॉक संग्रामपुर में विधायक प्रतिनिधि आनंद विक्रम सिंह ने किसानों को निशुल्क सरसों के बीज बांटे और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार संग्रामपुर से प्रभारी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, श्रीनाथ वर्मा, राजकुमार सिंह चौहान, प्रदीप कुमार, प्रदीप पांडे, राम केदार निषाद, अरुण कुमार, राजकुमार बीटीएम मौजूद थे। इस मौके पर किसान राजकरण पाल, नागेंद्र दुबे, अभिषेक सिंह प्रधान मढोली, वीरेंद्र यादव, सालक राम चौरसिया, देवता प्रसाद चौरसिया, राम आश्रय, भारत यादव और भी ब्लॉक संग्रामपुर के किसानों की भागीदारी प्रमुख रही। आज महाराज किस प्रकार के आपके कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये ठेंगहा में हम लोग जो है कृषि विभाग की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन और तिलहन बीज के वितरण में आज 2 किलो सरसों का बीज वितरित किया गया निःशुल्क। और मैं अपने मुख्यमंत्री और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो धरातल पर गांव-गांव में जाके इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, इसमें निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। और ये मुफ्त बीज वितरित करने के बाद जो किसान लोग इसको बोएंगे, ज़रूरत से उन लोगों का आय जो है बढ़ेगी और इससे किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह जो हमारी सरकार किसानों के लिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी धरातल पर उतरने वाली जो योजनाएं हैं, इनको जो लागू कर रही है, इससे हमारे क्षेत्र के किसान भाई सब प्रसन्न हैं और निश्चित ही उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्या बीज भंडार पर किस तरह का वितरण किया गया? देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत जो है मिनी किट सरसों का वितरण निःशुल्क किया गया है और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि जो है विधायक आनंद विक्रम जी थे, जिनके हाथों से जो है वितरित किया गया। लगभग सैकड़ों किसानों को यहाँ से जो है वितरण किया गया है सरसों। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब इसका लाइन से सोइंग कराना है और समय समय पर इसका विजिट होना हम भी करेंगे, हमारे यहाँ जितने एम्प्लॉई वो भी करेंगे और बाहर से टीम आएगी। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन इसका क्या है, जो मार्केट में जो बीज मिलता है उससे कंपेरिजन किया जाएगा इसका क्या है, अगर ये सफल होता है तो इसको जो फिर बढ़ावा किया जाएगा, निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।